बिना चीनी की मिठाई, कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन का खजाना। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुक टू इट यम्मी पर। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे एनर्जी और सेहत से भरपूर एक ऐसी मिठाई जो खाने में बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट होती है। जी हाँ, आज हम बनाएंगे गुड़ वाली पिन्निया। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं पहले आपको बता देती हूँ ताकि आप तैयारी करके रख सकें। तो सबसे पहले इसके लिए हम लेंगे आधा किलो घी, मैंने देसी घी लिया है। इसके अलावा हम लेंगे 600 ग्राम गेहूं का आटा, 400 ग्राम गुड़, यदि आप कम खाते हैं तो थोड़ा कम डाल लें। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे 1 बाउल मखाने, जो ये कैल्शियम से भरपूर होते हैं और हमारी बोन्स के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए इसके लिए 200 ग्राम खोया और ड्राई फ्रूट्स, 1 बाउल बादाम जो हमने दरदरे क्रश कर लिए हैं, 1 छोटा बाउल काजू, इन्हें भी हमने क्रश कर लिया है, और थोड़ी सी अखरोट गिरी जिसे हमने बारीक पीस लिया है। इसके अलावा डालेंगे इसमें मगज़ 1 टेबल स्पून और 1.5 टेबल स्पून गोंद, ये सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा इसमें डालेंगे हम 1/2 टेबल स्पून अजवाइन और 1 टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले गैस पर एक छोटा पैन रखेंगे और उसमें डालेंगे लगभग 2 टेबल स्पून घी और इसे गरम कर लेंगे। घी पिघल चुका है, इसमें मखाने डालकर रोस्ट कर लेंगे जिससे ये क्रंची भी हो जाएंगे और इनकी नमी निकल जाएगी अच्छे से। मखानों को हमने लगभग 2 मिनट तक भून लिया है, अब इनको इनको बाउल में निकालकर एक साइड में रख लेंगे। मखानों को हमने बाउल में निकाल लिया है, अब इस पैन में थोड़ा सा घी और डालेंगे और इसमें गोंद को डालकर उसे भी रोस्ट करेंगे। देखिए गोंद फूलने लगा है और इसके फूले बनने लगे हैं, तो इसे अच्छे से सारी गोंद को फुला लेंगे। गोंद को मैंने पहले हल्का सा क्रश कर लिया था ताकि इसके पीसेस छोटे छोटे हो जाएं। अब इसे पैन में से कटोरी में निकाल लेंगे। अब घी वाले पैन में ही हम ड्राई फ्रूट्स को डालेंगे और इनको एक साथ भून लेंगे। मैंने बादाम, काजू और मगज़ गिरी को रोस्ट किया है, इसे लगभग 1 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे ताकि इनमें क्रंच आ जाए, और फिर इन्हें निकाल कर रख लेंगे। अखरोट को हम नहीं भून रहे हैं क्योंकि उसको भूनने से वो हल्का कड़वा हो जाता है, इसलिए हम उसे डायरेक्ट ही मिक्स करेंगे। गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें घी डालकर गरम करेंगे। घी अच्छे से गरम हो चुका है, अब इसमें ऐड करेंगे आटा। आटा और घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम हीट पर तब तक भूनेंगे जब तक कि यह ब्राउन कलर का नहीं हो जाता और इसमें से खुशबू नहीं आने लगती और इसका घी अलग नहीं हो जाता। तो इसे हम चलाते हुए भूनेंगे, अदरवाइज जो आटा है वो नीचे से जल जाएगा और ऊपर से कच्चा रहेगा। आटा काफ़ी ब्राउन हो चुका है, परंतु अभी हमें इसे 5-7 मिनट तक और भूनेंगे ताकि ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। और इसने देखिए घी छोड़ दिया है, यानी कि आटा है पक चुका है और इसमें से खुशबू भी आने लगी है। तो इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे खोआ, और खोआ डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 5-7 मिनट तक भून लेंगे जिससे कि जो खोया है वो स्मेल नहीं करेगा और इसे काफ़ी दिनों तक हम यूज़ कर पाएंगे पिन्नियों को। लगभग 8 मिनट हो चुके हैं, जो आटा है उसका कलर भी बहुत अच्छा ब्राउन हो गया है और खोया भी इसमें अच्छी तरह मिक्स हो गया है। इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे गूंद जो हमने फ्राई करके रखी थी। इसके अलावा इसमें मिक्स करेंगे मखाने जिन्हें हमने भूनकर पीस लिया है, और इसमें ऐड करेंगे
सारे ड्राई फ्रूट्स, वन टेबलस्पून काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च है वो सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है और ख़ास तौर से आँखों के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा इसमें ऐड करेंगे हाफ टेबल स्पून अजवाइन और इस सारे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पर गैस को ऑफ कर देंगे और इस मिश्रण को ठंडा करेंगे। मिक्सचर को हमने इतना ठंडा कर लिया है कि बस ये हल्का गर्म ही रह गया है। इस स्टेज पर इसमें ऐड करेंगे गुड़। ज़्यादा गर्म में मिक्सचर में गुड़ ऐड नहीं करेंगे, अदरवाइज वो पानी छोड़ देगा। गुड़ को इस मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, पहले कलछी की सहायता से और फिर हाथों से अच्छी तरह मसल मसल कर इसको मिक्स करेंगे ताकि गुड़ की गांठें ना रहें। कड़छी से हमने मिक्स कर दिया था, अब इस तरह हाथों से अच्छी तरह मिक्सचर और गुड़ को मसलते हुए मिक्स कर लेंगे। गुड़ को अच्छी तरह मिक्सचर में मिक्स कर लिया है, अब इसके बाद हम इसकी बनाएंगे पिन्नियाँ। आप चाहें तो इसकी गोल बनाएं या लंबी बनाएं। ये देखिए हमने पिन्नी बना ली है, इसी तरह से हम सारे मिक्सचर की पिन्नियाँ बना लेंगे। सारी पिन्नियाँ बनकर तैयार हैं। लीजिए, तैयार है सेहत और एनर्जी का खजाना, आटे की पिन्नियाँ गुड़ वाली जो कि मखाने और ड्राई फ्रूट से भरपूर हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।